ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए वो फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर भीलवाड़ा के मांडल से, जहां पर थाने में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मांडल में नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक प्रेरणा शेखावत ने थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व सरपंच सुशीला बुलिया सहित शांति समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। भीलवाड़ा के मांडल तहसील के कबराड़िया ग्राम पंचायत के सोडास में खेत की पिलाई करते वक्त किसान की मौत हो गई। मृतक 45 वर्षीय शिव सिंह की मौत हो गई। मृतक के शव को मांडल मोर्चे में रखवाया गया। मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। भीलवाड़ा के मांडल में कस्बे में चौराहे पर आजकल भीख मांगते हुए नाबालिग बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कई बार सरकारी कार्यालय के बाहर जाकर भी नाबालिग बच्चे भीख मांगते हैं, लेकिन अभी तक बाल एवं श्रम विभाग के अधिकारियों ने इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। भीलवाड़ा के मांडल में राजकीय विद्यालय भगवानपुरा में मुनि श्री संबोध कुमार ने स्किल डेवलपमेंट विद द साइंस ऑफ लिविंग कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित सैकड़ों ग्रामीण और श्रद्धालु उपस्थित रहे। पाली के मारवट जंक्शन में लहूलुहान अवस्था में एक युवक का शव मिला। हत्या के कारण रंजिश के चलते होने की संभावना जताई जा रही है। शव पर धारदार हथियार से कई वार किए गए। मौके से मोटरसाइकिल सहित सामान भी मिला। युवक की शिनाख्त पड़ोसी गांव चेलावास निवासी जीवाराम सिरवी के रूप में हुई। सीकर के रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर वाहनों का जमावड़ा लग जाता है। वाहनों के कारण शाम भक्त और दुकानदार स्कूल जाने बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस को कई बार दुकानदारों ने शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। थाने में सीएलसी की मीटिंग में लोगों ने वाहनों का मुद्दा भी उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भारतीय संस्कृति में मां भारती एवं गौमाता सर्वोपरि है। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने स्वामी जी का स्वागत कर आशीर्वाद लिया और कहा कि कथा के माध्यम से संत जो संदेश देते हैं उन्हें जीवन में उतारने से जीवन सफल होता है। कृपलानी ने कहा कि संत सत्कर्म कर्तव्य निष्ठा एवं मर्यादा पर चलने की प्रेरणा देते हैं। पाली के सोजत सिटी में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय चौपड़ा में कार्यक्रम आयोजित कर साइकिलें वितरित की गई। विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि राज्य सरकार की बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत ये साइकिल वितरित की गई। अपने संबोधन में प्राचार्य ने कहा कि साइकिलें मिलने के बाद छात्राओं की स्कूल आने जाने में आसानी रहेगी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जेके सीमेंट मांगरोल द्वारा खान में किए जा रहे ब्लास्टिंग से ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित धुएं से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। खान में ब्लास्टिंग के कारण मकानों की दीवारों में दरारें और छत के छज्जे टूटने की नौबत आ रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर भौरा समुदाय द्वारा नगर में जुलूस निकाला गया। जुलूस में अग्रिम पंक्ति में विभिन्न आकर्षक रंग बिरंगी पोशाकों में बच्चे चल रहे थे, जिन्हें कमेटी द्वारा टॉफियां बांटी गई। जुलूस में सभी बोहरा समाज के लोग बोहरा समुदाय के स्वयं के मशहूर स्काउट बैंड की धुन पर नाचते हुए चल रहे थे। पाली के देसूरी में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जरख गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत वनकर्मियों को दी। इसके बाद वनकर्मियों ने जख्मी जरख को देसूरी चिकित्सालय पहुंचाया और प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन जरख के ज्यादा जख्मी होने के चलते उसे उदयपुर रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया गया। जयपुर के फुलेरा में नगर पालिका की ओर से स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर बालाजी रोड स्थित निजी विद्यालय में स्कूली बच्चों को स्वच्छता से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, साथ ही निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा में जश्न ईद मिलादुन्नबी का सालाना जलसा कल निकलेगा, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय जलसा मार्ग पर आकर्षक सजावट की जा रही है। जयपुर के फुलेरा में बंदे के बालाजी के समीप स्थित होटल रंगोली में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के आमेट राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधक निदेशक राहुल मोदी के जन्मदिन पर मरीजों और विद्यालय में बच्चों को फल वितरित किए गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में जेबीटी महाविद्यालय के छात्राध्यापक एवं छात्र अध्यापिका ख्यालीवाड़ा स्थित अपना घर आश्रम गए, जहाँ पर असहाय बीमार लावारिस प्रभुजनों को भोजन करवाया गया और फल भी बांटे गए। अपना घर आश्रम के कोषाध्यक्ष ने बताया कि अभी तक अपना घर आश्रम में 230 प्रबुद्ध जनों को रखा गया है, जिनमें से 98 को अपने परिवार वालों से मिलवाया गया और घर भेज दिया गया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में बस स्टैंड रोड पर निर्माणाधीन डिवाइडर में घटिया और अमानक निर्माण सामग्री को देखकर दुकानदारों ने जमकर विरोध किया।
जिसके बाद काम बंद करवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि डिवाइडर की दीवारें निकालने के बाद उसमें सीमेंट मसाला भरने के स्थान पर पत्थर और क्रशर डाले जा रहे हैं। भीलवाड़ा के पुलिया तालाब में सांगरिया कस्बे में 7 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण पेयजल की समस्या से परेशान है। टोक्यो उनियारा में एक जने से मुंह में बोरी डालकर 13,000 रुपए लूट लिए। उनियारा निवासी अशोक गंगवारिया पोस्ट ऑफिस का कलेक्शन करके रात को घर जा रहा था। 56 जी तालाब के पाल भूमि विकास बैंक के पीछे 3 बदमाशों ने पीछे से मुंह को बोरी से बंद कर दिया, जिसके बाद जेब से 13,000 रुपए मोबाइल और बैग लेकर फरार हो गए। हनुमानगढ़ के नोहर में SFI तहसील कमेटी की ओर से बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई गई परीक्षा फीस के विरोध में NDB राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन भेजा गया। इससे पहले SFI कार्यकर्ता विद्यार्थी यहां महाविद्यालय परिसर में एकत्रित हुए और परीक्षा फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध जताया। हनुमानगढ़ की संगरिया में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में आयोजित ब्लॉक स्तरीय मीणा मेले का समापन हुआ। समापन पर BEO सुभाष घोटिया ने बताया कि ये बेटियों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है। हनुमानगढ़ के भादरा में नोहर भादरा क्षेत्र की नहरों में पूरा पानी देने, 2016 सावनी फसल का बकाया पड़ा फसल बीमा क्लेम देने, मूंग की तुलाई शुरू करने जैसी मांगों के लिए किसान सभा का आयोजन किया गया। वहीं 13 सितम्बर को समझौते के अनुसार किसानों का 50,000 रुपए कर्ज माफ करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फीस में वृद्धि किए जाने के विरोध में ABVP कार्यकर्ताओं ने कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में सीटों से संबंधित संगठनों की बैठक मनीराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से 5 दिसम्बर को हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित होने वाली माकपा की आमसभा में अधिकाधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। हनुमानगढ़ के रावतचर में स्थानीय विधायक द्रौपदी मेघवाल ने ग्राम पंचायत नेहरावाली ढाणी में जनसुनवाई की। विधायक ने थालिका से नेहरावाली ढाणी तक 4.5 किलोमीटर की दूरी से बनी सड़क के नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ के नोहर में गांव भूकरका में कोचिंग के लिए गई एक युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अपहरण करने के आरोप में एक युवती सहित 4 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जालौर के अहोर में पंचायत समिति प्रधान राजेश्वरी कंवर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत समिति को ODF करवाने के लिए ग्राम सेवकों को ग्राम पंचायतों में शौचालय बनाकर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन में न्यून प्रगति वाले ग्राम सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। जालौर के जसवंतपुरा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम के तहत जसवंतपुरा CHC में चिकित्सा शिविर का आयोजन कर बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। जालौर की भीनमाल में शहर में एक और ट्रांसफार्मर्स की कमी और अधिक लोड के कारण बिजली समस्या से शहरवासी परेशान हैं। तो दूसरी ओर बेहतर जिनाले के पीछे जैन धर्मशाला में डिस्कॉम का 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर 2 महीने से व्यर्थ पड़ा है, जिससे और संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। जालौर की सांचौर में शहर में हुई निजी कॉलेज संघ की बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई। संघ के संभाग संयोजक ने बताया कि JNVU की ओर से 256 कॉलेजेस को मान्यता दे रखी है, जिसमें से 200 कॉलेजेस का निरीक्षण नहीं हो पाया है। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखने पर सहमति बनी है। झालावाड़ के मनोर थाना में शौर्य दिवस को लेकर तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। 6 दिसम्बर को मनाया जाने वाला शौर्य दिवस को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने तैयारियों को लेकर क्षेत्र में बैठक। भरतपुर के बयाना में नगर पालिका क्षेत्र में LED लाइट सिस्टम फेल होती हुई नजर आई। कस्बे की अधिकांश कॉलोनी में लाइट्स नहीं जलती। यहां करीब 3 महीने पहले ही LED लाइट्स लगी थी, लेकिन इस समस्या की ओर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। चारों की चितलवाना में केडिया ग्राम पंचायत में 4 गांवों के बीच महज एक राशन वितरण की दुकान होने के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस राशन की दुकान पर 4 गांवों के 1700 परिवारों का राशन एक ग्राम सहकारी समिति की ओर से वितरित किया जाता है। कोटा के इटावा में विद्युत विभाग ने जलदाय विभाग की मोटरों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। विद्युत विभाग का करीब 30 लाख की राशि का बिल बकाया चल रहा है। कनेक्शन काटने से नगर में पेयजल आपूर्ति पर संकट आ सकता है। अजमेर के विजयनगर में शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों के पैचवर्क निकाले गए, जिसके चलते सड़कों पर भरी डामर और गड्ढी 2 दिन में ही उखड़ गए। आमजन का आरोप है कि पैचवर्क में घटिया सामग्री काम में ली गई थी। अजमेर की भिनाई में NH79 बांदनवाड़ा चौराहा हाईवे पर स्थित सर्विस लाइन पर अस्थायी अतिक्रमण की भरमार है, जिसके कारण पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
जैसलमेर के पोकरण में चाचा गांव के पास गौवंश तस्करी का मामला सामने आया है। यहां पर एक ट्रक मालिकान सुग्रबानों को गिरफ्तार किया गया। एसएचओ माड़क राम बिश्नोई के नेतृत्व में दबिश देकर 23 अगस्त की रात्रि को गौ तस्कर ट्रक में भरकर बैल ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। जैसलमेर के पोकरण में दुर्लभ प्रजाति के 14 गिद्धों की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद पोकरण वन विभाग टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। गिद्धों का पोकरण रेंज परिसर में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद सभी गिद्धों का अंतिम संस्कार किया गया। मौत का कारण रेंजर प्रकाश सिंह चारण ने प्रथम दृष्टया रेल की चपेट में आना होना बताया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित चिकित्सा शिविर में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जांच की। भीलवाड़ा के बनेड़ा में विद्यालय में थाना प्रभारी हरीश सांखला के नेतृत्व में 26 बच्चों और स्वेटर और फल वितरित किए गए। इस दौरान एएसआई शाहबुद्दीन खां, दीवान शिवलाल, कांस्टेबल संदीप स्वामी तथा विद्यालय की अध्यापिका नजमा बानो, सुनीता रानी विजय मौजूद रही। भीलवाड़ा के बनेड़ा में शाहपुरा मार्ग जोरावरपुरा चौराहे के पास दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक मासूम की मौत हो गई। यह घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। चलिए खबर पंचायत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।